जिया तो खुद वीडियो बनाने में रहती है और सारा काम सासू माँ करती है। जिया घर में बैठी रहती है, सारा काम सासू माँ करती है। सासू माँ काम कर रही है, जिया बैठी हुई रहती है। सोमवार सावन का तो हम सभी जा रहे हैं मंदिर और पीछे से गाड़ी भी आ रही है, तो जाएंगे पहले क्रियांश को ले लेंगे फिर चलेंगे मंदिर। तो माँ भी यहाँ रेडी हो चुकी है, तो हम लोग सोमवार को क्रियांश को गाड़ी से लेने चलते हैं और फिर साथ में मंदिर से पूजा करके साथ में एक बार आ जाते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे स्कूल, तो गाड़ी भी निकल गई है और गेट को करना पड़ेगा बंद। सावन के तेसर सोमवारी थी, यहाँ सब गठन का भगवान भोलानाथ के चरण में हम अपील कह दे छी जे सब केओ निकल रहत फिर अगला सोमवारी करब, हुनकर दया रहत तो करबे करब। हमर अपन परिवार, हमर समाज, हमर साथ जे काज कलन स्टाफ, ओ सबके लिए हम महादेव के चरण में अपील करै छी। ओही संग महादेव हमरो राखता, सब पर दया और क्षमा के गंगा बहेबै, ओही साथ निर्जोक राखबै। Six and a half hours later. तो क्रियांश को जी हम लोग स्कूल से ले आए हैं और क्रियांश को स्कूल से ला करके हम लोग आए हुए हैं महानंदा के मंदिर। यहाँ शिव मंदिर है जी, और पिछले सोमवार को भी हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो सावन का यहाँ लगता है कि अब इसके बाद एक और सोमवार शायद बस बचा हुआ है, और दो बचा हुआ है, इसके बाद दो और बचा हुआ है, तो आज तीसरा जो यहाँ सोमवार है। तो यहाँ पर आई हुई है मम्मी और जिया पूजा करने के लिए, और क्रियांश को हम संभाले हुए हैं ताकि वो लोग उधर आराम से पूजा कर पाए, क्योंकि अंदर जाता है तो जाते ही तबाही मचाना शुरू कर देता है। तो फिलहाल मम्मी और जिया जो है वहाँ गए हुए हैं अपना पैर सब धोने के लिए, जल सब लेने के लिए, तो वो सब आ रही है। चलो, सोमवार को निर्धारित समय नहीं है, एक माना हुआ पावन दिन है, इसलिए हम लोग आए हैं। लेकिन महादेव के मंदिर में निर्धारित समय नहीं होता है, जब उनकी दया होती लोग आते ही रहते हैं। One eternity later. तो हम लोग आए पूजा करने के लिए और इतनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, देख सकते हैं। तो फाइनली हम लोग अंदर से पूजा करके आ गए, वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ थी और सबसे ज्यादा है कि बहुत जगह कम था, सभी लोग धूप दीप सभी लोग जला रहे थे, तो जलने का ज्यादा संभावना था, लेकिन फिर भी अच्छे से पूजा करके आ गए। हाँ, जहाँ भीड़ है वहाँ पर अगरबत्ती और दिया जलाना निषेध है, नहीं जलाना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग जलाते हैं, ये अपनी समझदारी की बात है, कह भी नहीं सकते हैं, बुरा लगेगा तो खैर ठीक है, भगवान भोलेनाथ सबकी रक्षा करते हैं। 12 seconds later. तो यहाँ पर जी सभी लोगों की हो गई पूजा, और पूजा करने के बाद जो है अब हम लोग चलते हैं अपने घर। पापा के कोट भी निकलने का समय हो गया है, तो उनको भी छोड़ना है, खाना भी खाना है, और बस और क्या, चलते हैं बस ऐसे ही, हम लोग आते रहेंगे घूमते रहेंगे। और क्रियांश को हम यहाँ संभाल करके रखे थे, अच्छा खासा घुमाया हमको, होगी तो बराबर आएंगे, बहुत अच्छा लगता है, आते हैं तो लगता है सुकून जैसा, बहुत अच्छी जगह पे मंदिर भी एकदम हरियाली है पूरा एकदम। वैसे तो जो भी छोटा सा भी मंदिर है कहीं भी तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि एक पवित्र जगह है और लोग को लगता है कि मन की भावना जो है ना वहाँ पवित्र हो जाता है, तो इसलिए सब कुछ अच्छा लगता है। कोई कोई जगह इतना सुंदर है जहाँ पर कि वास्तव में मनोरम दृश्य है, और वैसे जाने के बाद ही वहाँ अच्छा लगता है। वैसे भगवान मालिक आप क्या सोचते हो, हम कितना भी आपको सुनाते हो करोगे तो प्रभु आप वही जो आपको मन होगा, बस एक दया की भीख मांगते हैं, हमारा याचना स्वीकार कीजिए प्रभु। यहाँ भी बेलपत्र है, हम तो कुछ नहीं मांगते हैं, बिना मांगे आपने हमको सब कुछ दिया है, और जो भी डिमांड है आप समझ रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, इसलिए समस्त कल्याण की कामना करके आपके चरणों सोमवारी आज समर्पित करते हैं। The next day. अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और हमारा खाना पीना सब कुछ बन चुका है और मौसम में बारिश होने वाला है और पतिदेव का भी काम थोड़ा बहुत हो गया है, तो ये बैट बॉल खेल रहे हैं क्रियांश की याद में। क्रियांश जब स्कूल से आएगा तो बैट बॉल खेलेंगे, तो क्रियांश को बैट बॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है और वो भी अपने पापा के साथ खेलता है, उसको अपने पापा के साथ बैट बॉल खेलने में बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल हमारा घर आज थोड़ा सा बिखरा हुआ है, ये सारा कपड़ा बिखरा हुआ है, आऊँगी कपड़ा तब समेटूँगी, जब नहा के सारा वीडियो वगैरह शूट हो जाएगा ना तब सारा समेट करके रख दूँगी, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा कम है। तो पतिदेव जा रहे हैं नीचे, तो जाइए ठीक है, हम भी जा रहे हैं नहाने के लिए। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो फिलहाल अभी समय हो गया है जी खाना खाने का, जी हाँ दिन के खाने का जो समय है मेरा लगभग 11 और 11:15 के बीच में ही होता है, तो खाना भी लग चुका है और चलते हैं, चल करके खाना खाते हैं। अब बाकी जी कल का जो ब्लॉग हमने डाला था देखा, उस पर बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे अच्छे,
तो उन सब पर जो है एक करके बात भी करेंगे, पहले जो है खाना खा लेते हैं। तो खाना पीना तो हो गया जी, और यहाँ जो है स्पंज, इसमें अब बस एक ही बचा हुआ है, इसमें दो और था तो दो मैंने खा लिया है। तो किसी को पता नहीं है कि इसमें दो और था, सभी को लग रहा है कि इसमें एक ही था तो एक उसने खा लिया, लेकिन जी हमने दो खा लिया। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है पता चल जाए, कोई बात नहीं जी खा लेंगे थोड़ी सी डांट। अच्छा ये दूध का डब्बा यहीं रखा हुआ है, दूध लगता है ले लिया और डब्बा उसको मिला नहीं। ये ले दीदी ये डब्बा रख लो, वो दूध ले लिया गया था, ये रह गया यहीं पर। नहीं दूध मिल गया है देखिए ना, ये रखा हुआ था, डब्बा नहीं ले गया वो, कोई बात नहीं। तो अब चलते हैं, क्रियास के स्कूल से आने का समय भी हो गया है तो क्रियास को लाया जाएगा, और थोड़ा लेट कर देते हैं ना, देखते हैं इंतजार कर रहा था कि पापा कब आएंगे। सब बच्चा जाता है, सब बच्चा निकल रहा होता है, मेरा पापा नहीं आया, सबको लगता है। हम लोग बड़े खुद हॉस्टल में रहे हैं, अनुभव है, जब हॉस्टल पर स्कूल या कॉलेज बंद होने का समय आता था तो जैसे किसी का गार्जियन एक दिन पहले आया, किसी का एक दिन बाद आया, तो हमको लगता था कि हम कब जाएंगे। हम लोग को स्कूल छोड़ने का तुमको नहीं मिला मौका, बस से ही चले जाते थे। हाँ, खाली एक न्यू पैटर्न था जो पड़ोस में, तो वहाँ अपने नानी पहुँचा देती थी कभी, नानी आती थी तो पहुँचाती थी। अच्छा अच्छा, कभी नाना उसे, ज्यादातर हम लोग जो है बस से ही गए, अपना साइकिल से गए। नाना नानी जिसकी माँ जॉब करेगी उसकी माँ को उतना समय कहाँ से आएगा कि बच्चा को स्कूल जाएगी पहुँचाना। बिल्कुल, तुम्हारा अपना काम है इसलिए घर बैठे अपना काम हो जाता है, अपना घर बैठे अपना काम करता है। वो ऑनलाइन का जमाना है, नहीं तो तुम भी ऑफिस में रहता तो ऑनलाइन का जमाना है। हम तो बहुत धन्यवाद देते हैं डिजिटल को, जो कि आजकल हर आदमी अपने घर में अपने परिवार के साथ रह के और घर का शुद्ध खाना खा के दो पैसा कमा के अपना जिंदगी जी सकता है, अपने बाल बच्चा को पढ़ा सकता है। तो इस बात के लिए हम सराहना करते हैं, चाहे जिस भी जिस सरकार के माध्यम से हो, सबको सुविधा है। प्रियांश आ गया स्कूल से और ये दादी का फोन जो है ले लेता है और बैठ जाता है, किसी को मोटिवेटिंग था और काफी ज्यादा उत्साह लाया हम लोगों के अंदर। उसमें जी जिनको भी नहीं पता तो उनको जरा बता दे कि आखिर हम किस बारे में बात कर रहे, हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने पिछले ब्लॉग को नहीं देखा होगा। उसमें हम बात कर रहे थे जी आजकल सोशल मीडिया पर जो कल्चर चला है, ट्रेंड ही चला है कि लड़ाई झगड़ा करो, सिंपैथी लो, एक फर्दी सा को स्टोरी बनाओ और उसके बाद जो है आप अच्छा खासा व्यू लो तो बस खाते में डॉलर बनते रहेंगे। तो वो सब कल्चर में हम लोग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और देख रहे हैं कि हम लोग जो अपना एक पॉजिटिविटी के साथ चल रहे हैं, अपने परिवार की इज्जत को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। अब देखते हैं कि कई लोग के कोई बीमार पड़ा है घर में तो उस बीमारी के नाम पर ही कम से कम 20 वीडियो डल रहा है कि अब वहां पर ये गेस्ट आए तो वो रोने लगे, वो गए, मतलब किसी तरह से वीडियो खींचना होता है उन सब चीजों पर। अब जैसे हमारे साथ क्या हुआ, जिया के दादाजी बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में एडमिट थे 12 दिन, तो उसमें भी वीडियो नहीं डाला हमने जिया की, दादी डेथ की, उसमें भी लगभग 7-8 दिन लगे हुए थे, पता भी नहीं होगा डेथ की है तो नहीं डाला। जिया के जो है फूफा जी वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, एक्सीडेंट हुआ था, जीएमएस में भर्ती थे, 4-5 दिन तक पटना में थे, एक हफ्ता थे लगभग शायद, हाँ तो एक हफ्ता तक हमने जो है कुछ भी वीडियो नहीं डाला। तो वो लोग बोल रहे थे कि आप डालिए, लेकिन मुझे खुद वो लोग कह रहे थे कि आप लोग का काम है, और उसमें से बहुत लोग समझ भी रहे थे कि YouTube का एल्गोरिदम है कि अगर आप वहाँ एक्टिव नहीं रहोगे तो फिर वहाँ पर जो है आपके चैनल पर असर होने लगता है। लेकिन फिर भी जी हमारा जो नहीं कहते अंदर से वो नहीं आ रहा था कि नहीं ऐसे समय पर वीडियो डालना चाहिए, इस वजह से जो है चैनल पर भी एक थोड़ा सा असर हुआ है, निश्चित असर हुआ है उन सब चीजों का। तो बहुत लोग जो है कमेंट करके कह रहे थे कि अरे भैया यह सब चीज करने की जरूरत नहीं है, आपके चैनल पर चाहे गिने चुने लोग ही आजकल देख रहे हो लेकिन वो पॉजिटिविटी देखने के लिए ही आते हैं, और जितने भी हैं आपके लॉयल सब्सक्राइबर हैं। ये तो बात जाहिर सी बात है जी, जब भी हम लोग रोड पर जाते हैं देखते हैं और वहां पर जो लोग का जो फीडबैक रहता है, लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा लगता है आपका, और फैमिली बहुत अच्छी, आपकी फैमिली बहुत अच्छी लगती है उस डॉलर से ज्यादा, तो ये चीज जो कमाया है ना जी, सही बात है जी, यही हमारे लिए मायने रखता है। और तो ये सब चीज तो आ ही रहा था जी, और बीच में एक आध कुछ परसेंट लोग थे जो थोड़ा सा डाउन भी करना चाह रहे थे, उसमें कमेंट आ रहा था आईडी बना करके कुछ लोग हैं जो मुझे परेशान करना चाहते हैं फेक आईडी वाले सब। चलिए कोई बात नहीं जी, आप जो भी करना चाहते हैं, जानते कमेंट क्या आ रहा था, कमेंट ये आ रहा था जिया तो खुद वीडियो बनाने में रहती है और सारा काम सासू माँ करती है, जिया घर में बैठी रहती है सारा काम सासू माँ करती है, मतलब एक तरह से ये था
कि जिया बैठी रह रही है, वीडियो बना रही है। एक बात तो पहली बात कह दीजिए, वीडियो बनाना भी अब काम ही है। हो सकता है बहुतों को लग रहा होगा कि ये टाइम पास चीज है, नहीं जी, प्रोफेशन ही है हमारा। बहुत टफ काम है, घर के काम से ज्यादा टफ काम है। कई बार ऐसा होता है कि मेरा मन नहीं करता वीडियो बनाने का, और ये कहते हैं कि नहीं तुम बना लो। हम बोलते इससे अच्छा मैं घर का काम कर लूंगी, आज मेरा मन नहीं करा बनाने का। तो और तो ये मुझे समझाते हैं कि तो जी, जी ये काम है। बिल्कुल जी, ये काम ही है। तो जी बात रही यहाँ काम की, और दूसरी बात यहाँ पर क्या रही कि यह बैठी रहती है। तो जी हमारे घर में किस तरह से क्या चीज एडजस्ट किया जा रहा है, और छोटा सा बच्चा है उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है, उसको स्कूल छोड़ना, उसका ख्याल रखना, और फिर उसके बाद यहाँ सोशल मीडिया का काम करना, उसके बाद पर्सनली मैं किसी काम में लगा हुआ रहता हूँ वो काम करना, तो हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं अभी, तो उसके बीच से मैनेज करना, और उसमें मम्मी का हाथ बटा देना। तो ये बात लग रहा है कि हाँ सासू माँ काम कर रही है, दिया बैठी हुई रहती है। तो ऐसा नहीं है जी, सभी लोग मिल बांट करके काम कर रहे हैं और मिलजुल कर घर चला रहे हैं, और घर जो है ऐसे ही मिल बांट करके ही चलता है। आपस में सबका जो सहयोग रहता है उसी से चलता है। माँ भी है नहीं, नहीं तो माँ से ही बातचीत हो जाती। मैं इन सब चीजों में उनको घसीटना, उनकी तबीयत खराब है तो सोचा कि यहाँ पर खराब है, नहीं तो मैं सीधा उनसे बात करवाती कि बताइए क्या सही क्या है क्या नहीं है, मैं अपने से क्या मैं बोलूं। चलिए जी, कोई भी वैसे हम जानते हैं, जो भी हमारे अपने लॉयल सब्सक्राइबर है, जो भी हमको शुरू से देखते आ रहे हैं, उनको मालूम है कि आखिर क्या चीज है कैसे। और दूसरी चीज, आप लोग कमेंट करते हैं दीदी आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, तो स्वास्थ्य पे मैं ध्यान दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं खाना नहीं खाती हूँ, है ना, सब कुछ ध्यान दे रही हूँ। अभी हमारे घर में बहुत नटखट सा गोपाल है जो कि हमें फुल एक्टिव रखता है, तो मैं भी कितना कुछ भी करूंगी तो मेरा उतना स्वास्थ्य नहीं बनेगा, वजह यही है। बस इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा सा वो समझदार हो जाए, उसके बाद हेल्थ पर भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं जी, इस वीडियो को अब यहीं पर खत्म करते हैं, हमारी तरफ से जो भी बात कहनी थी जी वो कह दिया, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।